उठने के बाद इनका पागलपन। और मेरे सेंटर पता पास में ही है, एकदम घर के बाजू में, चार पांच घर के बाद। तो 10 से 12, 10 बजे से 12 बजे तक मेरा एग्जाम है 2 घंटे का, तो फिर चलते हैं एग्जाम दे के आते हैं। उसके बाद फिर है, फिर उसके बाद सेकंड शिफ्ट में है 3 से 5, तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, फर्स्ट शिफ्ट 10 to 12 और सेकंड शिफ्ट 3 to 5। तो फिर चलते हैं गाइस, पहले एग्जाम देके आते हैं फिर आपसे। मैं अभी आ गया हूँ सीलू को एग्जाम सेंटर छोड़ के, और सीलू ने मुझे वर्क दिया है, बोला है आपको खाना बनाना होगा, दाल और चावल सिर्फ बना देना, बाकी सब्जी मैं आके बनाऊँगी। तो सीलू आएगी 12 बजे, तो चलिए गाइस चलते हैं खाना बनाने, जल्दी से कुकिंग करने, ताकि सीलू को लगे कि हाँ मैंने जो वर्क दिया था सोनू जी को उसने कंप्लीट किया। अब देख सकते हो मैंने दाल बना दिया है, पता नहीं कैसी बनी है, वो आके सीलू ही बताएगी, बट मैंने दाल बना दिया हम दो लोगों के लिए। और अभी राइस बन रही है, अब देख सकते हो राइस अभी बन रही है, थोड़ी टाइम बाकी है, बट मैं इसे भी 5 मिनट बाद बंद कर दूँगा। लगभग मैंने अपने वर्क कंप्लीट कर दिए, अब सीलू आएगी तो बाकी आगे का वर्क करेगी, सब्जी बनाना है, पापड़ तलने हैं, सलाद काटने हैं, सब बाकी काम सीलू करेगी। तो चलिए गाइस चलते हैं, अब मैं जा रहा हूँ नहा धो के फ्रेश होने, क्योंकि कुछ टाइम बाद फिर जाना पड़ेगा मुझे सीलू को लेने के लिए, क्योंकि 12 बजने वाले हैं अभी। देख भी सकते हो मैंने दाल राइस बनाने के बाद सारे बर्तन वॉश कर दिए, देख लीजिए कुकर, नीचे की गंजिया सब मैंने वॉश कर दिए हैं, जैसे सीलू करती है वैसे मैंने भी कर दिया है। खाना बनाने के बाद दाल राइस सब, राइस तो उसी में रहते हैं लेकिन दाल पलटी कर देती है, कुकर वॉश कर देती है, मैंने देखो वॉश कर दिए हैं और पानी भी भर दिए हैं सारे पीने के इधर बॉटल में। तो चलिए गैस अब चलते हैं जल्दी से फ्रेश होने, और फ्रेश होके सीलू को लेने भी जाना है, रहने के लिए तो बाजू में है एग्ज़ाम सेंटर, एकदम जस्ट बाजू में है, बट फिर भी देख सकते हो मैं फ्रेश हो गया हूँ और अब मैं निकलने वाला हूँ, जा रहा हूँ अब सीलू को लेने। चलिए गाइस क्योंकि 12 भी बज गए, 2 मिनट बचे हैं, मैं इसलिए लेट से जा रहा हूँ क्योंकि घर के एकदम पास ही है सेंटर इस वजह से, और फर्स्ट टाइम अभी मैं घर में हूँ इसलिए फर्स्ट टाइम लेके आ जा रहा हूँ, मतलब सेकेंड टाइम उसे फिर भी जाना है 3 से 5, वो खुद चली जाएगी पैदल, खुद आ जाएगी, अभी मैं क्या घर पर हूँ तो मैं सोच रहा हूँ चलो ले आता हूँ सीलू को और छोड़ भी देता हूँ। चलिए गाइस चलते हैं एग्ज़ाम सेंटर, आपको मैं दिखाता हूँ सीलू का एग्जाम सेंटर घर के एकदम बाजू में। हे गाइस आप देख सकते हो ये है सीलू का एग्ज़ाम सेंटर, और लगता है गेट खुल रही है, सबकी छुट्टी होने वाली है स्टूडेंट की, और देखो सारे स्टूडेंट आ रहे हैं एक एक दो दो करके, और ये साथ में सीलू भी आ रही है। हे गाइस तो अभी जस्ट मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ, और आज मेरा PSC प्री का एग्ज़ाम था, तो अभी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो गया, अब सेकंड शिफ्ट में भी जाना है 3 से 5, और अभी मुझे सोनू जी लेने भी आए थे पर सेकंड शिफ्ट में नहीं आएंगे। मैं भी गया था लेने भी गया था, और अब सेकंड टाइम ये सीलू खुद से जाएगी पैदल, और वैसे भी घर के पास ही है, एकदम बगल में ही मुझे सेंटर मिल गया है। पहली ऐसी लड़की है जो घर के बाजू में सेंटर मिला, नहीं तो कई लोग को 20-20 किलोमीटर दूर। हाँ हर बार मुझे बहुत दूर मिलता है, पर इस बार घर के जस्ट बगल में मिल गया है, एकदम बाजू में है घर, अच्छा किस्मत है ना। हाँ तो अभी मैं एग्जाम वगैरह दे के आ गई हूँ और जा रही हूँ फ्रेश वगैरह होने, खाना वाना खाने के बाद फिर 3 बजे मैं सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देने जाऊंगी, फिर सोनू जी भी चले जाएंगे अपने लंच करके अपने वर्क में निकल जाऊंगा। चले गाइस जल्दी से मैं फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट भी कर लूंगी, देन फिर मुझे निकलना है एग्जाम देने, थोड़ा मोबाइल भी चला लेंगी। देख सकते हो सोनू जी लंच कर रहे हैं, और लंच में है दाल चावल और बरबट्टी आलू की सूखी सब्जी एंड पापड़, क्योंकि आज एग्जाम था ज़्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं, सोनू जी ने दाल चावल पहले से बना के रखा था और सब्जी मैंने थोड़ा जल्दी बना लिया, तो अब ये लंच कर रहे हैं। ये मॉर्निंग का टाइम और मैं उठ चुकी हूँ, मैं बिकॉज मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, घर के काम वगैरह भी होते हैं, और चलिए फिर सोनू जी को देखते हैं, अभी तक वो उठे नहीं हैं, उनको उठाते हैं, देखते हैं सोनू जी को, अभी तक इनका मॉर्निंग नहीं हुआ है, देख सकते हो अभी तक सो रहे हैं, इनका गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है,
उठाते हैं। सोनू जी उठो, सोनू जी उठो, अभी तक आपका मॉर्निंग क्यों नहीं हुआ है? कितना टाइम हो गया, देख सकते, आज इनका हॉलीडे है ना, इसलिए अभी तक इनका गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है। वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, बट मैं उठ चुकी हूँ, और मैं उठ गई तो सोनू जी को सोने कैसे दे सकती हूँ मैं? देख सकते हो इनको मैं उठा रही हूँ, उल्टा सो रहा है। तो चलिए गाइस, इनको कुछ टाइम और सोने देते हैं। सोनू जी उठ के पागल हो चुके हैं, देख सकते हैं उनको मैं उठाई तो उठने के बाद इनको पागलपन। फिर से सो गए गाइस, सोनू जी पागल हो चुके हैं, इनको मैं उठा रही हूँ तो देख सकते हो ये फिर उठने के बाद फिर से सो जा रहे हैं। ये कौन सा पागलपन है? लगता है सपने में भूत वगैरह देख लिए हो। अरे उठ ही नहीं रहे, फिर इतनी बार उठा रही हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग में अभी हम फ्रूट खाने वाले हैं, तो सोनू जी को क्या काम मिला है सोनू जी आपको मॉर्निंग में? फ्रूट कट करने का। तो ये मॉर्निंग में सुबह सुबह सोनू जी को मिला है फ्रूट कट करने का काम। हमारे फ्रूट कट हो चुके हैं। वगैरह खा लिए और अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में आज कुछ यब्बी सा खाने का मन कर रहा है, देखते हैं क्या बनता है। क्या खाना है ब्रेकफास्ट में? मुझे तो इडली खाने का मन कर रहा है, बिकॉज इडली मेरा बहुत ही फेवरेट है। काफी दिन हो गया, इस वजह से मैं भी इडली खाऊंगा तो और चले मैंने फिर ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं मिलते हैं आपसे। आपसे। ये मॉर्निंग का टाइम और आज ब्रेकफास्ट में है इडली एंड सांभर, देख सकते हो। इडली गर्मा गर्म, इडली नारियल की चटनी विथ सांभर। सकते हो सीलो को खाना बनाना छोड़कर इधर कोने में घुस के मोबाइल चला दिए, देख सकते हो आप। मैं वीडियो एडिट कर रही थी। तो लंच नहीं बनना है बना रहा है। तो आप यहाँ कैसे बैठे हो? चुपचाप मोबाइल से छुटकारा मिले तब तो लंच बनेगा, सोनू जी मुझे आपसे चिढ़ाते रहते हैं। क्योंकि सिर्फ टिपी टपर करते रहती है मोबाइल में टकर टकर। करना है लंच की तैयारी, सोच रही हूँ आज लंच में क्या बनाऊँ। सब्जी कुछ नहीं, अभी सोनू जी जाएंगे हरी हरी सब्जियाँ लेने मार्केट। और ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मॉर्निंग में क्या, एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं। हाँ, मॉर्निंग में ताज़ी सब्जियाँ मिलती है, तो अभी सोनू जी जाएंगे मार्केट, सब्जियाँ वगैरह लेके आएंगे, उस कुछ ग्रॉसरी वगैरह घर के लिए लेके आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ गाइस इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड कर दो, बिकॉज ये कल से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। तो चलिए गाइस यहाँ पे इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल लाइक लाइक कीजिएगा, कीजिए। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं न्यू डे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।